प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था फ्यूज को, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लिंक लिस्ट का। तो लिंक लिस्ट को देख लेते हैं विदाउट सीक्वेंस। लिंक लिस्ट में हमारा डाटा इंडेक्सेस की फॉर्म में नहीं होता, एक सीक्वेंस में नहीं होता, यानी कि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशंस पर नहीं स्टोर होता, जबकि ये सारे काम हम अरेज में कर रहे थे। अ सेट ऑफ सीक्वेंशियली लिंक्ड रिकॉर्ड, एक सेट होता है सीक्वेंशली, मतलब एक सीक्वेंस में लिंक्ड रिकॉर्ड का एक जो हमारे पास लिंक रिकॉर्ड होता है सीक्वेंस में, उसको हम बोलते हैं नोड। और इन लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड्स होते हैं जो कि आपस में, जिनका रिकॉर्ड आपस में लिंक होता है, जिनके एड्रेसेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। तो नोड हमारे पास बेसिकली काम करता है उनको कनेक्ट करने का। इसमें हमारे पास लिंक लिस्ट में नोड होते हैं और अरेज में हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि अरे में इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होकर अनटिल एन तक हमारे पास जा रहा था। इंसर्शन अगर हमें लिंक लिस्ट के अंदर करनी है तो कुछ मेमोरी एलोकेशन एक साथ नहीं होती, तो अगर कहीं पर भी हमें मेमोरी इंसर्ट करनी है या फिर मेमोरी से वो डिलीट करना है तो हमारे लिए कोई इशू नहीं होता, वहाँ से हम उसको डिलीट कर देते हैं। उनका लिंक जो होता है नोट्स का वो आपस में चेंज कर देते हैं, तो वो डिलीट भी हम कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अरे के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उस जगह को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने के बाद हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, फिर उसको डिलीट करना पड़ेगा, अरेज को पीछे लाना पड़ेगा बाकी इंडेक्सेस को एक एक पीछे, और अगर इंसर्ट करना है तो एक इंडेक्स बीच में पहले वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, फिर एक इंडेक्स डालना पड़ेगा, फिर बाकियों को आगे मूव करना पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है अरेज का हमारे पास, लेकिन इसमें हम किसी भी जगह पर कहीं भी इंसर्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें नोट्स का कनेक्शन या उनका लिंक आपस में चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे पास कॉपी डाटा क्या होता है? कॉपी डाटा हमारे पास होता है कि जब हम एक जैसे कि अरे हमने डिक्लेयर कर दिया, एक अरे डिक्लेयर करने के बाद उसका जो अगर हमें उसका साइज़ बढ़ाना है, मतलब पांच अरे का एक पहले साइज़ था, मैंने डाटा एंटर कर दिया, अब अगर मुझे छः का डाटा एंटर करना है तो वो पहले पांच मैं दोबारा एंटर करूँगा और छठा एलिमेंट फिर एंटर करूँगा, तो वो दो अरेज़ बन जाएगी और दो अरेज़ में डाटा हमारे पास सेव होगा, जिससे मेमोरी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो इससे बचने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिंक लिस्ट में डाटा क्योंकि आपस में कनेक्टेड नहीं होता, कि उनका इंसर्शन और डिलीशन कोई भी प्रोसेस हो तो डाटा कॉपी नहीं होगा, और क्योंकि वो उनका एक सीक्वेंस नहीं होता तो डाटा कॉपी भी नहीं होता, और कहीं पे भी इंसर्शन और डिलीशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है। अरे में हमारे पास एक लिमिट होती है जिससे हम एक्सीड नहीं कर सकते, जहाँ तक हमें डाटा एंटर करना है, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर हम एक्सीड कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है डाटा को लिमिट को, मतलब इसमें एक नंबर ऑफ हमें दिए होते हैं इंडेक्सेस जहाँ तक डाटा को लेकर जाना है, लेकिन हमें इसमें इंसर्शन और डिलीशन क्योंकि सिंपल होती है तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, हम जहाँ तक चाहे डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगली लिंक लिस्ट को देखेंगे कि वो कैसे वर्क करती है।